आप भी कुरियर से सामान मंगवाते हैं तो सावधान हो जाएं। आपके पास कॉल्स आ सकते हैं कि भैया आपका कुरियर के थ्रू सामान आया हुआ है और आप इस सामान को में लेकिन अब एक ऐसी इलीगल चीज़ पाई गई है, इसके अंदर कोई फ्रॉड का कोई इलीगल ड्रग्स पाया गया है जिसमें कि आपका एड्रेस आधार कार्ड दिया हुआ है। अब ये कहकर आपके पास कॉल्स किए जाएंगे, खुद को पुलिस ऑफिसर बताया जाएगा, आपके डिटेल्स ली जाएंगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपसे मांगे जाएंगे, आपको जेल या पुलिस स्टेशन आने को कहा जाएगा, बदले में सिक्योरिटी अमाउंट फ़ाइन अमाउंट डिपॉजिट करने को कहा जाएगा। इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इस तरीके से किसी भी अननोन नंबर से कोई भी आपको पुलिस वाला बोल के, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोल के, CBI CID या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के नाम पे अगर आपको कॉल कर रहा है, सावधान रहें, किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में ना आए, किसी भी अननोन पर्सन का वीडियो कॉल रिसीव ना करें, किसी भी चीज़ को आप डरे ना, वरना डर का ही फ़ायदा उठाते हैं, जल्दबाजी में कहीं भी कोई पैसा ट्रांसफ़र ना करें। आमतौर पर जो भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उसके तीन मुख्य कारण हैं, एक आपका डर, एक अज्ञानता, दूसरा टफट जल्दबाजी में यानी क्यूरियस क्यूरोसिटी, थ्रेट और फियर। तो डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, फ्रॉड से हमेशा बचे रहेंगे। अगर फिर भी आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया, ऐसी घटना हो गई है, फटाफट आप 1930 पे कॉल करें अकाउंट को, जिससे फ्रीज किया जा सके। साइबर क्राइम की वेबसाइट्स पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन की मदद ले सकते हैं, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, क्या करना है नहीं करना है, कैसे अपने खोए हुए पैसे को रिकवर करें, कैसे फ्रॉडर्स को जेल भिजवाएं, सजा दिलवाएं, जिससे वो बाकी लोगों के साथ भी ऐसी अपराध की घटनाएं ना कर सके। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।